Hello everyone, welcome back to my channel KM Smart Isle. So today we are going to discuss about some follow-up questions of a cue card, and name of the cue card is describe a person in the news that you want to meet. Means किसी persons को describe करना है news में हो जो और जिसे आप मिलना चाहते हो. Okay students, so we will discuss all the follow-up questions of this cue card, and before that, if you are new on my channel, then subscribe my channel to get more notifications of my next video. Okay, so let's start. Well, our first follow-up question is what type of people can be seen on TV? Kis type ke log TV pe dekhe ja sakte hain? या फिर व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल डू द न्यूज़ यूजुअली अबाउट, या फिर किस टाइप के लोगों के बारे में मोस्टली न्यूज़ होती है. मोस्टली पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़, बिजनेस लीडर एंड पीपल फ्रॉम द स्पोर्ट्स बैकग्राउंड आर कॉमनली सीन ऑन टीवी. कि ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं जो, और बिजनेस लीडर्स हैं या फिर पीपल है जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो सारे हम टीवी पे देख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक देयर इज़ टू मच न्यूज़ अबाउट सेलिब्रिटी. क्या आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के बारे में है? Yes, definitely. In mostly cases, news channel reported countless stories on the personal dispute between two celebrities. कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे केसेस के अंदर जो न्यूज़ चैनल है वो रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारी स्टोरीज़ को, पर्सनल डिस्प्यूट, पर्सनल जो वाद विवाद है टू सेलिब्रिटीज़ के बीच में. आई डोंट थिंक सो अ कॉमन मैन वुड बेनिफिट फ्रॉम सच न्यूज़. कि मेरे अकॉर्डिंग कि एक कॉमन आदमी इन चीज़ों से बेनिफिट नहीं होगा. दे नीड टू फोकस ऑन रियल इश्यूज़ सच एज़ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कि जो रियल न्यूज़ है सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़ कैन हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस. कि क्या आप ऐसा सोचते हो जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस हैं न्यूज़ में वो हमेशा नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही देती हैं? यस, आई थिंक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़ कैन हार्म पीपल एंड सोसाइटी. की जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस है न्यूज़ के अंदर वो पीपल को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है और सोसाइटी को भी. इट इज़ बिकॉज सच न्यूज़ कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट पीपल परसेप्शन अबाउट कम्युनिटी. क्योंकि जो इस प्रकार की मोस्टली न्यूज़ है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है लोगों की परसेप्शन पे उसकी कम्युनिटी के रिगार्डिंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू पीपल लाइक नेगेटिव न्यूज़. लोग नेगेटिव न्यूज़ देखना क्यों पसंद करते हैं? देयर आर वेरियस रीजन बिहाइंड इट. बहुत सारे रीजन्स हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे वॉन्ट टू अवेयर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज अबाउट द रोंग हैपनिंग अराउंड देम. कि मेन क्या है, वो अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं और अपनी फैमिली को अवेयर रखना चाहते हैं रोंग हैपनिंग जो उनके आसपास हो रही है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ यूजुअली इन द न्यूज़ इन इंडिया. इंडिया के अंदर मोस्टली न्यूज़ में क्या होता है? इन इंडिया मोस्टली न्यूज़ चैनल टेलीकास्ट न्यूज़ अबाउट सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट पर्सन्स एंड क्राइम. देर आर ओनली सम न्यूज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कि मोस्टली जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो टेलीकास्ट न्यूज़ दे रहे हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में, पॉलिटिशियंस के, स्पोर्ट पर्सन्स के और क्राइम के रिगार्डिंग. लेकिन कुछ ही न्यूज़ ऐसी हैं जो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के बारे में होती हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इन्फॉर्मेशन ऑलवेज ट्रू. क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा सही होती है? यस, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर ट्रू, बट समटाइम न्यूज़ चैनल मे एग्जरेट एनी न्यूज़ फॉर बेटर TRP. एग्जरेट यानी बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, फॉर बेटर TRP, अपने चैनल की TRP के लिए. पीपल हैव एक्सेस टू मैनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दीज डेज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. लेकिन लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन गेट करने के टेक्नोलॉजी की वजह से. सो न्यूज़ चैनल कैन नॉट टेलीकास्ट फेक न्यूज़. तो जो न्यूज़ चैनल है वो फेक न्यूज़ टेलीकास्ट नहीं कर सकती.
Okay, so our next question is, what is the difference between broadcasting news in the past and in the present? कि difference क्या है news जो broadcast हो रही थी past के अंदर और जो अब हो रही है present के अंदर? There is a vast difference between news in the past and now. बहुत ज़्यादा difference है. In the past, there were lack of technology. पास्ट के अंदर टेक्नोलॉजी कम थी, सो न्यूज़ ऑलवेज डिले टू रीच पीपल. न्यूज़ हमेशा लेट पहुंचती थी लोगों तक. बट नाउ डेज वी कैन सी ऑल न्यूज़ ऑन लाइव. लेकिन आजकल हम सारी न्यूज़ लाइव देख सकते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव एवरीथिंग सेड इन द न्यूज़? क्या आप बिलीव करते हो जो भी न्यूज़ के अंदर कहा जाता है? नो, आई डू नॉट बिलीव ऑन एवरी न्यूज़. हर एक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करती, बिकॉज समटाइम मीडिया प्रोवाइड अननेसेसरी न्यूज़ अबाउट एनी थिंग. कई बार जो मीडिया है वो अननेसेसरी न्यूज़ प्रोवाइड करी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग. सो आई वेट फॉर द क्लैरिटी ऑफ न्यूज़ वेन एवर इट इज़ नॉट कन्फर्म. इसलिए मैं उस न्यूज़ का वेट करती हूँ जब तक वो कन्फर्म नहीं हो जाती. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुड सुपरस्टार ब्रिंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक? कि क्या जो सुपरस्टार है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला सकते हैं पब्लिक में? यस, डेफिनेटली सुपरस्टार्स हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन पीपल. कि सुपरस्टार्स के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं. सेलिब्रिटी हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग. सेलिब्रिटीज़ की ह्यूज फैन फॉलोइंग है एंड पीपल ऑलवेज इंस्पायर्ड देम. और लोग हमेशा उनसे इंस्पायर्ड होते हैं एंड ट्राई टू फॉलो लाइक देम. और उनको ही फॉलो करने की कोशिश करती हैं. सो इफ सुपर स्टार प्रमोट पॉजिटिव थिंग्स देन पीपल विल ऑल्सो फॉलो इट. कि इसलिए अगर सुपर स्टार अच्छी थिंग्स देंगे, लोग भी उसी को फॉलो करेंगे. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज, आर न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन टीवी इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वंस? कि क्या जो न्यूज़ रिपोर्ट्स है टीवी में इंडिया के अंदर वो डिवाइड की गई है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलग अलग? यस, आई थिंक सो. न्यूज़ डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वंस बिकॉज चैनल टेलीकास्ट बोथ न्यूज़ ऑन डिफरेंट टाइम. कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स है वो डिवाइड की गई है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में, लेकिन जो चैनल है वो टेलीकास्ट कर रहे हैं दोनों न्यूज़ को अलग अलग टाइम पे. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ दिस क्यू कार्ड. एंड स्टूडेंट्स, इफ एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर नोटिफिकेशंस ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर. And now, thanks for watching.